दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और हर्षवर्धन फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में दो दिवसीय गोरखपुर साहित्य समागम का आयोजन शनिवार को गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में किया गया। कार्यक्रम के प्रथम सत्र में संस्कृत से अद्भुत नेपाली व हिंदी भाषा का समृद्ध संबंध दोनों देशों के लिए अनुग्रही विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें मुख्य वक्ता प्रोफेसर रामदेव शुक्ल, डॉक्टर चितरंजन मिश्रा, डॉक्टर मन प्रसाद सुब्बा, योगाचार्य डॉक्टर जी एन सरस्वती, वीणा सिन्हा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने संबंधित विषय पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के द्वितीय सत्र में साहित्य समागमों को व्यापक व उपयोगी बनाने के उपाय विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस सत्र के मुख्य वक्ता डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी, शांतनु गुप्ता, अनुराधा गोयल और ए के सिंह ने संबंधित विषय पर प्रकाश डाला। वहीं कार्यक्रम के तृतीय सत्र में हिंदी भाषा क्षेत्र में अंग्रेजी साहित्य विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता डॉक्टर मन प्रसाद सुब्बा, डॉक्टर नंदिनी सिंह, डॉक्टर उमा सब्जपोष और कमलेश त्रिपाठी ने हिंदी भाषी क्षेत्र में अंग्रेजी साहित्य विषय पर अपने विचारों को व्यक्त किया। कार्यक्रम के चौथे सत्र में फिल्मी गानों से लोक संगीत ने क्या खोया क्या पाया विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता करुणा पांडे, ज्ञानेंद्र सिंह, रविंद्र श्रीवास्तव, महेंद्रनाथ श्रीवास्तव ने संबंधित विषय पर अपने अपने विचार रखे। कार्यक्रम के अंत में और पांचवें सत्र में सोशल मीडिया का साहित्य पर प्रभाव विषय पर व्याख्यान आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता डॉक्टर विद्याबिंदु सिंह राहुल देव यशवंत सिंह ने संबंधित विषय पर मंथन किया। कार्यक्रम के बीच अतिथियों ने आईने गोरखपुर, द मॉन्क यू बिकेम चीफ मिनिस्टर, शब्द टिपिकल टेल ऑफ इन इंडियन सेल्समैन और पत्तों पर ठहरी ओस की बूंदें पुस्तक का लोकार्पण किया। विलियम जोन्स की वो कविता इंग्लैंड की वर्जित लड़कियों को संबोधित है। उस कविता में वो कहते हैं, उस कविता में एक काम वो करते हैं कि एक नया महाभारत रचते हैं, जिस महाभारत से हम परिचित हैं उसका से एक बहुत घने वन में उनको एक बहुत ऊंचा पेड़ दिखाई पड़ा, असाधारण ऊंचा, और उस पर ती से उस फल को उसके डंठल से काट दिया, वो गिरने लगा। ये हमेशा ध्यान रखिए कि महाभारत तो पसंद नहीं, ये सर विलियम जोन्स की कविता है। जब वो फल गिरने लगा तो हाहाकार मच गया, एकदम प्रलय जैसी स्थिति आ गई और एक आकाशवाणी हुई, ये तो अनर्थ हो गया। कोई ऋषि है जो 12 वर्ष में एक बार केवल उसी फल का गूदा खाते हैं और कुछ नहीं खाते, और वो फल अगर धरती पर आ गया तो प्रलय हो जाएगी, पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। तो ये हुआ कि आखिर कोई उपाय तो होगा। लोगों ने बहुत कातर भाव से प्रार्थना की तो उस आकाशवाणी ने एक समाधान बताया। समाधान ये था कि सभी पांडव अपनी किसी ऐसी गलती का कन्फेशन करें, इस कन्फेशन शब्द पर ध्यान दीजिएगा, एक क्रिश्चियनिटी का एक बहुत मूल शब्द है। तो जैसे जैसे आप लोग कन्फेस करते जाएंगे अपनी गलतियां, वैसे वैसे वो फल ऊपर उठता हुआ, वो तो नीचे गिर रहा है, वो ऊपर उठता हुआ अपने डंठल से लगने की ओर बढ़ेगा। चलिए सर, युधिष्ठिर महाशय ने उनका कन्फेशन आप सब जानते ही हैं, उन्होंने कहा कि हाँ मैं स्वीकार करता हूँ कि जानबूझ कर मैंने वो अश्वत्थामा अतो वा नरो वा क्रोधरो वा तो धीरे से कहा था, थोड़ा ऊपर उठा। पर फिर भीम ने अपने भोजन वाली बात बताई, अर्जुन ने अपनी बात बताई, प्रवृत्ति विशेष आसक्ति वाली बात, फिर आप सब बताते चले गए और फल डंठल से लगता चला गया। अब अंत में बची द्रौपदी, अब जरा सा रह गया था तो द्रौपदी ने कन्फेशन ये किया कि हाँ एक घटना मेरे जीवन में ऐसी हुई है जिसको आज तक मैंने किसी से नहीं कहा था। वो घटना ये है कि जब मैं 11 वर्ष की थी तो जो ब्रह्मचारी मुझे पढ़ाने आता था उससे अचानक एक दिन मुझे चूम लिया, ये बात मैंने किसी से नहीं बताई थी। और जब ही द्रौपदी का वाक्य पूरा हुआ पेड़ टहनी से लग गया फल, सब शांत हो गया।
जंगलों कितनी बढ़िया कविता है ये, और ये कविता पूरी करके सर विलियम जोन्स इंग्लैंड की वर्जिन लड़कियों को के सामने एक सवाल करते हैं, कहते हैं तुम लोग बताओ क्या तुम लोगों में ऐसा सती तो है, ऐसी वर्जिनिटी है तुम? अब ऊपर से देखिए तो ऐसा लगता है कि भारतीय कन्याओं के सतीत्व की विजय के लिए इससे अच्छी कविता क्या हो, लेकिन जरा गौर से छीनिए इसको तो निकलेगा क्या? असल बात है कन्फेशन, कन्फेशन। अब कन्फेशन क्रिश्चियनिटी में एक अद्भुत शब्द है कि आप बड़े से बड़ा गुनाह कीजिए, एक बार सच्चे मन से ज्ञान युक्त भाव से अगर उसको आप स्वीकार कर लीजिए ईश्वर के सामने, मन गुरु के सामने, किसी के सामने, तो आपका जीवन सुधर जाएगा, इसलिए कि फिर दोबारा आपको गलती नहीं करेगी। ये जो बड़ी योजना थी कि क्राइस्ट के ही आधार पर कृष्णावतार की कथा भारत में बढ़ी है, ये भी बताया वहां के पादरी ने, ये उतनी बड़ी योजना का एक हिस्सा अब इन लिट फेस्ट में या शो में, जैसा भी विश्वास याद रहते लिखा रहता है पृथ्वी का सबसे बड़ा शो, उसमें सब दिखाई दे रहा है। था जारी और तस्लीमा नसरीन को बुलाया गया और फिर धमकियां शुरू हुई, ये आयत जो होगा वो होगा, जो भी होगा। अभी जो हो रहा है असल में भारतीय भाषाओं की एकता और भारतीय चेतना की एकता, ये पूरी दुनिया के लिए हमेशा से ईर्ष्या का विषय रही चीजें हैं, जो शायद पॉलिटिकल लेवल पे ही उसको या राजनीतिक रूप से ही उसको हम लोग कुछ एड्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हमारी एक साझी विरासत है, इतना लंबा हमारा एक सीमा है जहाँ पे मैथ अवधि से लेके भोजपुरी से लेके मैथिली से लेके ये सारी भाषाएं बोली जाती हैं, संस्कृत दोनों की माँ है, वहीं से के आई है। मैं सेशन का पहले सबसे पहले मैं चाहूंगी कि वीना जी, क्योंकि ये एक बड़ा बड़ा काम कर रही हैं, नेपाल में रहेंगे, इनकी अगर आपको पत्रिका में इनसे कहा था कि भाई यहाँ पे भी अगर कुछ उसकी सदस्यता बन सके, कुछ लोग कर सके, अच्छी पत्रिका हिंदी की निकाल रही है, संगठन के साथ निकाल रही है, सेना साहब भी हम लोगों के साथ हैं, यहाँ आए हैं इनके जो लगी भारत और नेपाल दूसरा देश जीवस भंडा प्यारो छ। यहाँ उपस्थित अतिथिगण, मैं आप लोगों को नेपाल में विगत से लेकर वर्तमान में हिंदी की स्थिति के संबंध में संक्षिप्त जानकारी करना चाहती हूँ। साथ ही यह भी बताना चाहती हूँ कि नेपाल में हिंदी की आवश्यकता क्यों है और दोनों देशों के बीच संबंध सुदृढ़ में इसकी भूमिका क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि भाषा भाव तथा विचारों के आदान प्रदान की अभिव्यक्ति के प्रमुख माध्यम ही नहीं समाज एवं संस्कृति की सवालिका भी है। मानवीय आचरण और सभ्यता के संपूर्ण कार्य व्यापार भाषा के माध्यम से ही संपन्न होते हैं। एक ओर भाषा हमारे संप्रेषण का सशक्त माध्यम है तो दूसरी ओर सामाजिक नियंत्रण का सार्थक उपकरण भी है। हम यहाँ बात हिंदी और नेपाली कर रहे हैं, जहाँ नेपाली हमारे नेपाल की राष्ट्रभाषा है, वहीं हिंदी हमारे पड़ोसी सबसे करीबी पड़ोसी देश भारत की राष्ट्रभाषा है। यदि दोनों ही भाषाओं की माता संस्कृत है और दोनों ही भाषाओं की लिपि भी देवनागरी है और दोनों ही भाषाओं की साहित्य पद्धतियां भी लगभग समान है। प्रारंभिक हिंदी तथा नेपाली भाषाओं के साहित्यिक कृतियों का अवलोकन करेंगे तो आप पाएंगे कि दोनों ही के बीच बहुत अधिक समानता है, लेकिन ज्यों-ज्यों दोनों की भाषा दोनों ही भाषाओं की क्रमिक विकास होता गया त्यों-त्यों भाषागत और प्रवृत्तिगत परिवर्तन परिलक्षित होता गया, जो कि संभावित भी है। तीनों तरफ से खुली सीमा धार्मिक सामाजिक सांस्कृतिक वर्ग व्यवहार की समानता यह साबित करने के लिए पर्याप्त है कि भारत विशाल नेपाल है और नेपाल लघु भारत और दोनों ही देशों के जोड़ने की कड़ी के रूप में हिंदी और नेपाली भाषा साहित्य की भूमिका और महत्व से इंकार नहीं किया जा सकता। नेपाल